तो हर साल की तरह इस साल भी आजादी के जश्न का मुख्य समारोह लाल किले पे ही आयोजित हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने तिरंगा फहराया और लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया। वैसे हर साल स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले को सजाया जाता है, लेकिन इस बार मौका आजादी की 75वीं सालगिरह का है, तो सजावट भी खास ही थी। जो बिल्कुल हर साल प्रधानमंत्री का अंदाज चर्चा का विषय बनता है, और इस साल भी तिरंगे के रंग में रंगे उनके साफे ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। अपने संबोधन में उन्होंने भविष्य के भारत की तस्वीर देशवासियों के सामने रखी, और संबोधन खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी बच्चों और कलाकारों के बीच पहुंचे, उनका अभिवादन स्वीकार किया। लाल किले पर हुए सेलिब्रेशन की एक एक तस्वीर इस खास रिपोर्ट में देखिए। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तिरंगे वाला शानदार ताफा, हल्के नीले रंग की सुंदर सदरी, हल्के सफेद रंग का कुर्ता। साल 2014 में पीएम बनने के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल स्वतंत्रता दिवस पर एक खास तरह की पगड़ी पहनते हैं। एकता की ताकत, एक भारत श्रेष्ठ भारत। इस साल उन्होंने अपनी पगड़ी का रंग और स्टाइल बदल दिया है। इस बदले हुए रंग और स्टाइल के साथ पीएम मोदी ने अपने सधे हुए अंदाज में लाल किले की प्राचीर से हुंकार भरी। मेरे देश के नौजवानों, मैं आपके उज्जवल भविष्य के लिए, आपके सपनों के लिए, मैं भाई भतीजावाद के खिलाफ लड़ाई में आपका साथ का, परिवारवादी राजनीति के खिलाफ लड़ाई में मैं आपका साथ चाहता हूं। ये संवैधानिक जिम्मेवारी मानता हूं मैं, ये लोकतंत्र की जिम्मेवारी मानता हूं मैं, ये लाल किले के प्राचीर से कही गई बात की ताकत मैं मानता हूं, और इसलिए मैं आज आपका अवसर चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आज 9वीं बार लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराया और देश को संबोधित किया। प्रधानमंत्री के भाषण के बाद पूरा आसमान तिरंगे से पट गया। इस खास मौके के लिए केसरिया, सफेद और हरे रंग के बलून तैयार किए गए थे। पीएम ने आह्वान किया कि हालात बदलने के लिए सोच बदलना जरूरी है। पीएम मोदी ने जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान के साथ जय अनुसंधान के अपने संकल्प को दोहराया। हम बार बार लाल बहादुर शास्त्री जी को याद करते हैं। जय जवान, जय किसान का उनका मंत्र आज भी देश के लिए प्रेरणा है। बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जय विज्ञान कह करके उसमें एक कड़ी जोड़ दी थी और देश ने उसको प्राथमिकता दी थी। लेकिन अब अमृतकाल के लिए एक और अनिवार्यता है, और वो है जय अनुसंधान। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। लाल किले से पीएम का काफिला निकला तो लाहौरी गेट पर उनका स्वागत उन मैकेनिकल हाथियों ने किया जिनको इस खास मौके के लिए तैयार किया गया था। यहां से निकलकर पीएम मोदी उन छात्रों से मिलने जा पहुंचे जिन्होंने खास मकसद से खास तैयारी की थी। सबसे पहले पीएम मोदी ने ताली बजाकर उनका उत्साहवर्धन किया। देश के अलग अलग इलाकों से आए इन छात्रों के पास जाकर प्रधानमंत्री ने उनका हौसला बढ़ाया। आने वाले वक्त में देश की कमान इन युवाओं के हाथों में जानी है। अलग अलग राज्यों के पोस्टर लिए एक युवा के पास जाकर पीएम मोदी मिल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि इस छोटे से प्रांगण में ही पीएम मोदी देश का भ्रमण कर रहे हों, क्योंकि तैयारी भी ऐसी ही थी जैसे भारत के नक्शे में एक एक राज्य का युवा अपनी पहचान स्थापित कर रहा था। युवा और बच्चे प्रधानमंत्री मोदी के लिए खास मायने रखते हैं, तभी तो इन युवाओं में संकल्प से सिद्धि की भावना जगाने के लिए और उन्हें प्रेरित करते हुए पीएम मोदी ने संकल्पों और प्रण को भी अपने संबोधन में जगह दी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन पर सबका ध्यान रहता है। इसकी वजह यह है कि प्रधानमंत्री अपने संबोधन में आने वाले वर्षों का रोडमैप
देश के सामने रखते हैं। आज भी प्रधानमंत्री ने अगले 25 साल का खाका देश के सामने रखा। जी हां, प्रधानमंत्री ने केवल अगले 25 साल का रोड मैप ही सामने नहीं रखा, बल्कि इसके लिए देशवासियों को 5 प्रण भी दिलाए और सभी से अपील की कि वो इन प्रण को अपने जीवन में आत्मसात करें। क्या है ये प्रण, आइए देखते हैं। जब मैं पंच प्राण की बात करता हूं तो पहला प्राण, अब देश बड़े संकल्प लेकर के ही चलेगा, बहुत बड़े संकल्प लेकर के चलना होगा। और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत, अब उससे कुछ कम नहीं होना चाहिए। बड़ा संकल्प, दूसरा प्राण है किसी भी कोने में हमारे मन के भीतर, हमारे आदतों के भीतर गुलामी का एक भी अंश अगर भी अभी भी है तो उसको किसी भी हालत में बचने नहीं देना। अब शत प्रतिशत सैकड़ों साल की गुलामी ने जहां हमें जकड़ कर रखा है, हमारे मनोभाव को बांध करके रखा हुआ है, हमारी सोच में विकृतियां पैदा करके रखी है, हमें गुलामी की छोटी सी छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमारे भीतर नजर आती है, हमारे आसपास नजर आती है, हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी। ये हमारा दूसरी प्राण शक्ति है। तीसरी प्राण शक्ति, हमें हमारी विरासत पर गर्व होना चाहिए, हमारी विरासत के प्रति, क्योंकि यही विरासत है जिसने कभी भारत को स्वर्णिम काल दिया था, और यही विरासत है जो समन्वय को अनुकूल परिवर्तन करने की आदत रखती है, यही विरासत है जो काल बाह्य छोड़ती रही है, नित्य नूतन स्वीकारती रही है। और इसलिए इस विरासत के प्रति हमें गर्व होना चाहिए। चौथा प्राण, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है, और वो है एकता और एकजुटता। 130 करोड़ देशवासियों में एकता, न कोई अपना न कोई पराया, एकता की ताकत एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपनों के लिए हमारा चौथा प्राण है। और पांचवा प्राण है नागरिकों का कर्तव्य। सरहद पर जवान तो खेत में किसान, सब आजादी के अमृत महोत्सव में डूबे हुए हैं। आज देश के खेत खलिहानों में किसान शान से तिरंगा फहरा रहे हैं और देश के उन वीर सपूतों को याद कर रहे हैं जिनके बलिदान ने हमें आजादी दिलाई। बिल्कुल, आपको बता दें कि हर राज्य हर प्रांत में इस उत्सव को मनाने की जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है उन्हें देखकर आप भी कहेंगे कि ये हिंदुस्तान के जश्न आजादी के अनोखे रंग है। तो आइए इस रिपोर्ट से जानते हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में आजादी को कैसे सेलिब्रेट किया जा रहा है। हिंदुस्तान के कोने कोने में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। जवान, किसान या फिर आम इंसान, सबके दिलों में भारत की आजादी के 75वें वर्षगांठ को मनाने का उत्साह पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में ये नजारा पहली बार देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर हर तबका आजादी के अमृत महोत्सव में अपनी भागीदारी निभाता दिख रहा है। पूरा का पूरा हिंदुस्तान आजादी के जश्न में डूबा है। देश के अलग अलग हिस्सों में जश्न आजादी के अनोखे रंग देखने को मिल रहे हैं।
ये तस्वीरें पूर्वी उत्तर प्रदेश के चंदौली की हैं। चंदौली को धान का कटोरा कहा जाता है क्योंकि यहाँ धान की बहुत ही अच्छी पैदावार होती है। लेकिन धान के कटोरे में कुछ ऐसे किसान भी हैं जो ऑर्गेनिक और आधुनिक खेती कर रहे हैं और नया इतिहास रच रहे हैं। चंदौली के चहनिया ब्लॉक के रहने वाली ये किसान न सिर्फ खेती के पैटर्न में बदलाव किए हैं बल्कि आजादी के जश्न को भी अनोखे तरीके से मना रहे हैं। चहनिया ब्लॉक के हरदन जुड़ा गांव के रहने वाले इन किसानों ने अपने खेतों में तिरंगा फहराकर आजादी के अमृत महोत्सव के जश्न में शामिल हो रहे हैं। आजादी के जश्न को मनाने के लिए ये किसान अपने खेतों में इकट्ठा हुए हैं। यही नहीं, ये किसान खेतों के बीच तिरंगा यात्रा भी निकाल रहे हैं। 75 वर्ष पूरा होने पर भारत के प्रधानमंत्री द्वारा जब यह कहा गया कि हर घर तिरंगा, तो मुझे पुनः अपने मिट्टी की याद आई कि अगर किसान होकर के हम अपने मिट्टी पर तिरंगा नहीं फहराते हैं तो हम क्या जाएंगे सड़कों पर, हवाई अड्डे पर फहराने? हमारा फर्ज बनता था कि हम खेत में किसानों के लेकर के झंडा फहराएं। उस कार्य को हमने किया। चाहे बड़े हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, महिलाएं हो या फिर बच्चे, सबके हाथ में तिरंगा है। ये देशभक्ति की भावना में सराबोर जश्न आजादी का वो रंग है जिसकी चर्चा आज पूरी दुनिया कर रही है। भारत की नई पीढ़ियों के लिए ये आजादी का अमृत महोत्सव आजादी की लड़ाई में अपने आप को बलिदान कर देने वाले हमारे बुजुर्गों को अपने दिलों में जिंदा बनाए रखने में एक ऐसी परंपरा की शुरुआत है जो पीढ़ी दर पीढ़ी भारतीय जनमानस के संस्कार में उतरती रहेगी। चंदौली से उदय गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आज हम आपको दिखा रहे हैं आजादी के उत्सव की अलग अलग तस्वीरें। अब इस जश्न का एक और रंग हम आपको दिखाते हैं जहां ईश्वर की आस्था और देश के प्रति समर्पण का संगम देखने को मिलेगा। दरअसल अब हम आपको भक्ति के साथ देशभक्ति का रंग दिखाएंगे। लिए चलते हैं आपको जैन के महाकाल मंदिर, जहां महाकाल के श्रृंगार में भी तिरंगे के रंग दिखाए गए। वहीं मेरठ में एक शिव मंदिर में भी भक्ति और देशभक्ति का संगम देखने को मिला। पूरे देश की तरह उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर भी आजादी के जश्न में डूबा है। भस्म आरती के दौरान भगवान महाकाल भी तिरंगे की आभा से सराबोर दिखे। भक्तों पर आस्था के साथ ही देशभक्ति का रंग भी खूब चढ़ा है। भगवान का जो श्रृंगार किया जाता है उसमें त्रिपुंड भी है, वस्त्र भी है, जो सारे तिरंगे के स्वरूप में देखे गए हैं और श्रृंगार किया गया है। तो उज्जैन के बाबा महाकाल में राष्ट्रीय त्यौहार भी है, वो धार्मिक त्यौहार भी है। आज 15 अगस्त के दिन मैंने जो श्रृंगार देखा महाकाल जी का, बहुत ही लुभावना था, बहुत अच्छा कदम था। इतना अच्छा लग रहा था देखकर कि आज इंडिया को इतना प्राइड मिल रहा है ये सब देखकर। इतने अच्छे रूप में प्रेजेंट किया है हमने अपने भारत को, और जो पुजारी जी, जो पंडित जी उनको तैयार कर रहे थे, उनकी ड्रेस भी वही थी, सब कुछ बहुत अमेजिंग था। अब मेरठ के औगढ़धानी मंदिर की रौनक देखिए। भगवान से लेकर भक्त तक सब पर तिरंगे का सुरूर चढ़ा है। देशभक्ति और आस्था का एक घालमेल आजादी के 75 साल के जश्न की अद्भुत छटा बिखेर रहा है। इस मौके पर पूरा हिंदुस्तान तिरंगामय हो चुका है। जाहिर है आज देव भी इस दिव्य उत्सव के भागीदार हैं और इस अंदाज में हर हिंदुस्तानी की तरह मानव आजादी का अमृत पान कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।